मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संगठन। एक संगठन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक संगठन की ज़रूरत होती है। और उस संगठन को कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऐसे वर्क है जो हमें करने होते हैं। क्योंकि एक संगठन हम घर बैठे ऑनलाइन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं, उसके लिए हमें एक यूनिट की आवश्यकता होती है, लोगों के ग्रुप की आवश्यकता होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई संगठन क्या होता है, सबसे पहले तो हम उसके मीनिंग्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के मीनिंग्स को आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। कि ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन क्या होता है कि किसी भी स्थापना का मुख्य आधार उसके संगठनात्मक ढांचे से जाना जाता है कि वह संगठन या आधार कितना मजबूत है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसका जो बेस है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उस जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया उसके स्ट्रक्चर का जो मतलब जो मैप होता है, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके आधार से ही मतलब पता लग जाता है कि उसका बेस क्या है, किस आधार पर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना लॉन्ग टर्म तक वो चल सकता है। फिर संगठन शब्द का यहाँ पे तीन अर्थों में लिया गया है। संगठन को इन्होंने मतलब तीन मीनिंग्स में उसको डाइवर्ट किया गया है। पहला है यहाँ पे प्रशासनिक ढांचे की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर है उसका डायरेक्ट उसका एक मतलब रूपरेखा तैयार करना, उसका एक मैप तैयार करना कि वहाँ पे जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको कैसे चलाना है, कैसे छोटे छोटे जो टारगेट हमने रखे हैं उसको कैसे अचीव करना है। दूसरा यहाँ पे कि इस ढांचे की पूर्व रचना तैयार करना। दूसरा मीनिंग्स उन्होंने बताया कि जो ढांचा हमने तैयार किया है वो टाइम टू टाइम हमें तैयार नहीं करना है, बल्कि पहले से ही उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो रचना है वो हमें तैयार करके रखनी होती है। यही ऑर्गेनाइजेशन है, यही इसका मीनिंग्स निकलता है कि आपके पास प्री प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास प्री प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। तीसरा यहाँ पे है नियोजन के बाद ढांचा तैयार करना, यानी कि जब हम पूरी प्लानिंग करते हैं उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे काम करना है, कैसे उसको लेकर के चलना है, टोटल रूप से एक पूरा डायग्राम्स तैयार किया जाए एक संगठन का। तो किसी भी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं वही संगठन है। यानी कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो चीज़ आपसे रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, या फिर वो हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर आपके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो पूरी तरीके से एक प्री प्लान किए जाते हैं, प्लानिंग के तहत तैयार किए जाते हैं। कैसे हम उनको मतलब तैयार कर सकते हैं, कैसे उनको अचीवमेंट ले सकते हैं उनकी, तो वही संगठन है जिसमें सभी एक यूनिट की तरह काम करते हैं। फिर बात करते हैं सारे बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो 4P यहाँ पे है, मतलब पूरा का पूरा एक मैप तैयार होता है जिसके आधार पर हम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तैयार करते हैं। सबसे पहले पी यानी कि पर्पज़ क्या होता है? आपके पास एक उद्देश्य होता है, आपके पास एक टारगेट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का आप बना रहे हो कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका पर्पज़ क्या है। ऐसे नहीं कि मतलब आप सिर्फ आपने सोचा है कि काम करना है, बस आपने बना लिया कि छोटा छोटा काम, ऐसे नहीं है कि आपने पर्सनल काम है। वेलफेयर के लेवल पर अगर कोई काम करना चाहते हैं, वेलफेयर के लेवल पर अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको पर्पज़ आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपको कोई पर्सनल उसमें टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे खुद के लिए मतलब खुद के प्रॉफिट के लिए कोई काम करना है। नहीं, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम हो तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर बना सकते हैं। सबसे पहला पर्पज़ आपके पास होना चाहिए। दूसरा है प्रोसेस, कैसे उस पर्पज़ को कंप्लीट करते हुए, कैसे उसको आप प्रोसेस आपका क्या होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको आप कंप्लीट करोगे। फिर इसमें तीसरा है पर्सन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना पर्सन यानी कि बिना व्यक्तियों के आप उसको काम को नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आप एक मशीन के बेस पर काम नहीं करोगे। क्योंकि आपने एक टारगेट किया कि मुझे मतलब इतने लाख पेड़ लगाने हैं, या फिर इतने बच्चों को पढ़ाना है 2024 तक, 25 तक, इस तरह के टारगेट रख ले जाते हैं कि मुझे स्वच्छता मतलब अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है मुझे इस सन तक या इस टाइम तक, इतने मंथ तक मुझे कंप्लीट करना है। तो आप उसे अकेले नहीं करोगे, आपको एक यूनिट की ज़रूरत होती है, आपको ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो ग्रुप में क्या होता है, लोगों की ज़रूरत होती है आपको। तो तीसरा यहाँ पे पी है, जो फॉर्मूले में तीसरा पी आता है वो पर्संस होता है। बिना पर्संस के आप ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट नहीं कर पाओगे। फिर फोर्थ प्लेस,
देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बिना प्लेटफॉर्म के आप ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मतलब व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप तैयार कर दिया तो आपका वो ऑर्गेनाइजेशन है। एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, आपको एक जगह चाहिए होती है जहाँ पर आप एक संगठन तैयार करते हो, वहाँ पर ऑफिस होता है, उसके साथ साथ में वहाँ पर काम करने के लिए वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कैसे कैसे ऑफिस में स्टेप बाय स्टेप अपनी पोस्ट के आधार पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर वहाँ पर काम करेंगे। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपके हाथ में होना चाहिए, एक प्लानिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। तो 4P के ये जो आपको यहाँ पे मैप में मतलब एक तरीके पिक्चर के पिक्चराइजेशन किया हुआ है मैंने, 4P के आधार पर पूरा का पूरा आपको ये करना होता है। पूरा फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि जो संगठन होता है वो कितने टाइप का होता है। एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जानबूझकर एक प्री प्लानिंग के तहत बनाया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है? वो प्री प्लानिंग भी हो सकता है, मतलब जानबूझकर भी बनाया जा सकता है, और वो ऑटोमेटिकली मतलब बना हुआ भी हो सकता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। तो कुछ ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें बहुत सारे से चार बेस है, चार से वर्क है जिनके आधार पर इसको मतलब कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले जैसे टॉपिक, सबसे पहले जो है इसमें औपचारिक संगठन के निर्माण करना, इसमें क्या होता है फॉर्मुलेशन करना होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला काम तो होता है संगठन का निर्माण करना, किस टारगेट के लिए हमें संगठन बनाना है, सबसे पहले तो उसको क्रिएट करना होता है। उसके जो 4P वाला फॉर्मूला होता है उसके आधार पर हम एक संगठन तैयार करते हैं। दूसरा है पद सोपानीय ढांचा तैयार करना, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है पद, यानी कि बाय पोस्ट, पोस्ट के हिसाब से वहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। कैसे आप मतलब जब जो सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कैसे पोस्ट पे रखना है, जो जूनियर होते हैं उनको भी रखना होता है, उस सीनियर और जूनियर के हिसाब से आपको वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी होती है। तो ये सब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक प्लान आपको तैयार करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। तीसरा यहाँ पे विवेकीय मूल्य, यानी कि इंपर्सनल वैल्यूज़। अब उसमें ये भी देखना होता है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि उसमें जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास जो भी पावर, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो अपने खुद के विवेक मूल्य यानी कि विवेक से, खुद के अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो कितना है, तो वहाँ पे वो चीज़ वैल्यूज़ रखी जाती है। वो वैल्यूज़ होती है आपकी कि आप उसमें कितना अंडरस्टैंडिंग अपना दिखा रहे हैं, किस हिसाब से वहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आप क्रिएट कर सको, कैसे आप 4P फॉर्मूले को लेकर के आप उसको कम्प्लीट कर रहे हो। फिर फोर्थ इसमें सत्तात्मक प्रकृति, यानी कि अथॉरिटी के आधार पर जो नेचर होता है। आपको किसी भी पोस्ट पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे आप सीनियर में इंक्लूड हो चाहे आप जूनियर में इंक्लूड हो, उसके हिसाब से आप अपने अथॉरिटी को कैसे यूज़ करते हो, उसका नेचर क्या है, आप किस हिसाब से उसको मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो, ये सब इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का वहाँ पे रखा जाता है। तो ये टोटल जो फोर्थ पॉइंट है सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही होता है कि ये या तो जानबूझकर ही बनाए जाते हैं या फिर कुछ समय के लिए या फिर परमानेंट के लिए बन जाते हैं। इनका जो टर्म होता है लॉन्ग टर्म होता है। तो सबसे पहले इसमें जैसे उत्पत्ति इवोल्यूशंस होता है, यानी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कैसे उसको इवोल्यूट करना है, कैसे उसको क्रिएट करना है, ये सब इसमें प्रोसेस जो भी मतलब 4P वाला फॉर्मूला आता है वो भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है। दूसरा सामाजिक आर्थिक ढांचा, इसमें क्या होता है पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो सोशल कंडीशन और जो इकोनॉमी कंडीशन है उसके बेस पर तैयार किया जाता है। कैसे हमारे यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है वो कैसा है, सोसाइटी कैसी है, उसके बेस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर आधार पर इकोनॉमी लेवल वहाँ पर क्या है, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंसियल मतलब जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो कैसी है, ये सब यहाँ का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है भावनात्मक संबंध, एक इमोशनल रिलेशन इसमें रिलेटेड होते हैं पूरी तरीके से, जो भी ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है इनफॉर्मल रूप से, क्योंकि एक लंबे समय तक जुड़े हुए तो एक बहुत ही दीर्घ जो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म का इसमें पैटर्न होता है, तो उसमें थोड़ा सा इमोशनल रिलेशन इसमें क्रिएट हो जाते हैं लोगों के, मतलब हम जब सोसाइटी से रिलेट करते हैं इसको तो सोसाइटी में हर एक तरह के आपको मतलब थोड़ा सा फेस करना होता है इसको, कि लोगों के इमोशनल से भी आप इसमें रिलेट कर सकते हो।
फिर फोर्थ है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब लॉन्ग टर्म का होता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए जो लीडरशिप है वो कहाँ तक की मतलब पॉसिबिलिटीज़ की बनती है, लीडरशिप कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पूरा का पूरा जो फोर्थ पॉइंट है इसमें इनफॉर्मल के हो गए और फॉर्मल के, हमने आपको बताया दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो आज के हमने मतलब टॉपिक में यही कुछ डिस्कस करना था, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बेस, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, 4P फॉर्मूला, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो जो भी मतलब इसके बाद जो भी